सर आज आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाह रहा हूँ जिसकी जो है बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट प्रोडक्ट है आ, वो ऐसी है वो ऐसी कि आई डोंट थिंक सो आप उसे रिजेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी हो रही है हर बंदा उसको रिकमेंड कर रहा है जब मैंने भी खुद चेक किया तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है मैं अब आपके साथ आपके व्यू जानना चाहता हूँ आप इस बारे में इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं नहीं आपको अच्छी लगी है या आपको लगा है कि इसको लॉन्च करेंगे तो भाई बड़ा प्रॉफिट बनेगा नहीं मुझे लगा कि ये प्रॉफिट बना सकती है ये प्रोडक्ट इसलिए मैं आपको ये देखिए आपको पता है कि मैं आपके साथ कोई ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आता नहीं हूँ तो ये प्रोडक्ट मैं इसलिए लेके आया हूँ कि मुझे लगे कि ये प्रोडक्ट बना सकती है मतलब कुछ तो है ना इस प्रोडक्ट में कि हर दूसरा बंदा इसे रिकमेंड कर रहा है कि ये प्रोडक्ट हमें लॉन्च करनी चाहिए जब मैंने खुद भी देखा तो मुझे भी ठीक लगी है मतलब प्रोडक्ट अच्छी है हम इसे लॉन्च कर सकते हैं आल इसमें कंपटीशन है लेकिन हम इसमें इसको लॉन्च कर सकते हैं आप मुझे आप बताएं क्योंकि आपको पता है कि मैं हर प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं लॉन्च करने से पहले तो आप मुझे आप बताएं कि इस प्रोडक्ट में आप क्या देखते हैं कि ये लॉन्च के काबिल है या नहीं है अच्छा अगर तो मैं प्रोडक्ट को ना देखूं ना सिर्फ आपको देखूं और आपके जज्बे को देखूं ना तो फिर तो मुझे कहना चाहिए कि मेरान साहब लॉन्च कर दें ठीक है किसी भी क्लाइंट को लॉन्च करवा दें या खुद लॉन्च कर लें हम अपने ब्रांड में लॉन्च कर लेते हैं लेकिन मैं जज्बों पे नहीं जाता फीलिंग्स पे नहीं जाता ठीक है

सबसे पहले ये प्रोडक्ट तो ये है कि ये प्रोडक्ट मैं आपको ये बताऊँ नई प्रोडक्ट नहीं है ये प्रोडक्ट जो पहला सेलर है उसने तकरीबन ये प्रोडक्ट तीन से चार साल पहले लॉन्च कर दी थी ठीक है लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि यार ये, ये इस प्रोडक्ट में है क्या ये हर रोज नए सैलर इसमें ऐड हो रहे हैं हत्या कुछ टाइम पहले कुछ माह पहले भी एक सेलर इसमें ऐड हुए जिसने अभी तक मतलब कुछ एक दो माह के अंदर अंदर ही फोर्टी रिव्यूज के साथ वन यूनिट सेल करना शुरू कर दी है तो आई अच्छा। वो सरप्राइज कि ये इसमें क्या है ये इस प्रोडक्ट में और मैं अभी किसी को मतलब ओपन करके आपको नहीं बता रहा किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि ये सेलर अच्छा कर रहा है ये सेलर अच्छा कर रहा है उससे ये होगा कि ये लोग देखेंगे यार ये अच्छा कर रहा है चलो जी इसकी प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं विदाउट एनी मेक चेंजेस इन स्पेसिफिकेशन तो लेकिन अब आप मुझे बताएं कि किस सेलर को खोल के दिखाऊं आपको कि आप बताएं कि ये ये यार इसको खोलो

और दूसरा इस प्रोडक्ट के बारे में यह ऐसी प्राइस रेंज के अंदर है कि जिसमें वो सेलर्स वो बायर एज ए बायर अगर मैं देखूं तो मैं इस प्रोडक्ट को एक ट्राई करने के लिए भी ले जा सकता हूं क्योंकि ऐसी प्राइस रेंज के अंदर है जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोडक्ट फोर्टी फिफ्टी थर्टी फाइव डॉलर से अब होगी वही बंदा लेगा जिसको वो जरूरत होगी लेकिन ये प्राइस अच्छा मैं आपको जिस... आपको इंटरप्ट करने की कर सकता जी 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 अगर आप मुझे इजाजत दें तो बताएं अच्छा पहली तो चीज है मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा तो इस पे आपने माइंड नहीं करना ठीक है नहीं नहीं देखिए नाराज भी नहीं, नहीं, नहीं होता तो आता भी नहीं नाराज भी नहीं होना फिर आपको स्टेक शेक खिला के मुझे मनाना पड़ता है तो इसलिए नाराज <laughs> भी नहीं होना ठीक अच्छा, है बिल्कुल सही अच्छा सर पहली चीज देखें पहली रो के अंदर अगर आप देखें पहली प्रोडक्ट नाइन डॉलर की है दूसरी थर्टी सेवन की है तीसरी आठ की है फिर चौदह और फिर पांच ये मुझे जरा आप बताए ना इतनी वेरिएशन मार्केट में पाई जा रही है थर्टी सेवन से लेकर नीचे आठ तक और पांच तक भी जा रही है ये क्या है मतलब ये इतनी वेरिएशन क्यों है मतलब प्राइस के अंदर ये क्यों, मैंने आपसे जब आपको प्रोडक्ट बताया था तो मैंने प्रोडक्ट शेयर करने से पहले कहा था कि चाइनीज सेलर्स हैं बहुत ज्यादा इसमें चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स खुद आए हुए हैं क्योंकि ये भी इम्पोसिबल है कि यही प्रोडक्ट पांच डॉलर में बिके और यही प्रोडक्ट उनतीस डॉलर में भी बिके ठीक है अच्छा तो अच्छा एक काम करें जी जी काम करें थर्टी सेवन वाला भी लिस्टिंग ओपन करें और पांच लिस्टिंग भी ओपन करें मुझे लेके जाए उन सेलर्स के ऊपर उनके एड्रेस कौन से है और ये कहाँ की एल एल सी है कहाँ के लोग हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ पहले तो ये देखे ना ये है कौन बेसिकली आप नहीं सर। वो, इनका इनका वो कुर्रा जानना चाह रहे हैं कि ये कहां से निकले नहीं मैं कहा से आए कहा से आए ये लोग ये देख कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग देखो ओके दिस इज वेरी गुड आपने जाने। आपने वो आ, आ, वो जो एक मूवी है इंडियन आई थिंक मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा कहते कहाँ से आते हैं ये कहां से आते हैं हैं ये लो? ये 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 लोग लोग से देखो हो गया अब आगे आ दूसरे ओपन करो तो की बेच रहा है अच्छा ये, ये आ है अच्छा जी ओके उसने

और राइट right, सर ये... एक भी एक चीज ये भी तो हो सकती है कि आ, ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो पांच डॉलर में बेच रहे हैं ये भी तो हो सकता है कि ये इनके पास ये इन्होंने बहुत ज्यादा बल्क में ले लिया हो और अभी ये इसको सेल आउट कर रहे हो स्टॉक क्लियर कर रहे हो लेकिन आई डोंट नो चले अब ये तीनों जो आपने सैंपल्स ओपन किए हैं ना मुझे इनकी लिस्टिंग क्रिएशन डेट में ले जाए लॉन्चिंग पे ले जाएं कि लॉन्च कब कब हुआ है काम नहीं करता मैं कहता हूं कोई डेटा शेटा हो तो काम करें लो ये ये भैया आए हैं चार सितंबर 2024 वेरी गुड जस्ट लॉन्च वन रेटिंग छह सर डॉलर लेकिन सेल सेल सेल, सेल। सर लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही आफ्ताब भाई इसमें से कुछ पैसे बना रहे हैं या आ, वो फ्री पे दे रहे हैं आ, क्या सराई की जा सकती है बट ये लॉन्चिंग पे हैं तो, course, ये तो है तो ऑफकोर्स ये भी तो ब्रेक इवन नहीं होंगे ओके okay. इनको चेक कर लेते हैं हम आ, इन्होंने नई डेट डाली हुई अपनी मैं शो ही नहीं करवाई इन्होंने शो ही नहीं करवाई ऊपर जाएं नहीं नहीं इसके टॉप पे जाएं क्या प्राइसेस की नाइन डेट शो आ, नहीं हो रही नहीं हो रही अच्छा आ, कितने रेटिंग्स कितनी है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी बिल्कुल और थ्री है और भाई बेस्ट सेलर के साथ है।

नहीं कौन रोक रहा है आपको मैं तो आपको रोक नहीं रहा मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूं लेकिन थोड़ी सी जरा डीप टोन तो जाने दें आपका दिल है। यही एक दो तो पॉइंट देख के हम दंग कर दें ऐसा नहीं होगा भाई ऐसा ही है ब्रिक जाली वाला फिल्टर है ओके ठीक हो गया इस भैया ने ट्वेंटी 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 थ्री ट्वेंटी थ्री रेटिंग हुई हैं अच्छा जी एक सस्पिशियस चीज ये है कि यहाँ इसने भाईजान अपनी डेट नहीं शो करवाई एंड डेट कैसे गायब हो सकती है ये चाइनीस टॉलर के कमाल है बहुत सकते है बिल्कुल ये चाइनीस सेलर के कमाल है ओके प्लास्टिक और रबर की ये प्रोडक्ट है ओके ये जो इसकी रेटिंग्स है ना ये ओपन करें या एक और काम करें इसकी रेटिंग ओपन करें और सबसे एंड वाली ना रेटिंग चेक करें वहां से हमें इसकी डेट पता चल जाएगी डेट चेक ओके। करने का एक और तरीका भी है ओके टॉप प्रोड्यूस कर देना सबसे जो पहला आ, रिव्यू था इसका यस मोस्ट रिसेंट नहीं जी चलो ठीक है और रिव्यूज डाल बस ठीक है ओके okay. तो सर टाइम लग जाएगा हमें वहां पे पहुंचते टाइम तो टाइम लगाएंगे लग, ना सर बोर हो जाएंगे हमारे व्यूअर्स नहीं बोर होते सर जो कुछ तो अटैच रहेंगे वो कुछ लेके जाएंगे यहां से अच्छा अच्छा प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो लेके जाएंगे ना अच्छा सर ओके तो ये सारे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के नजर आ रहे हैं ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के हैं और रेटिंग्स इनकी जनाब दो रेटिंग्स हैं टू प्लस <clears throat> और सारे हमें नजर जो आ रहे हैं ये जून के बाद के आ रहे हैं एक 1 मार्च का है आई थिंक ये मार्च में लॉन्च हुई है क्योंकि सारे रिव्यूज मार्च पहला रिव्यू जो है मार्च में ही है चलिए सर इसको पता कराने के लिए ना आपके पास स्मार्ट स्कोर तो होगा हमारा बेस्ट टूल उसको ओपन करना मैंने गलती मैंने गलती मुझसे हेल्पफुल कर दिए नहीं, नहीं नहीं अच्छा उसने ने हेल्प कर दी आप इसका एसएन कॉपी करें और जरा ओपन करें आ, स्मार्ट स्काउट इसको जरा हम चेक करते हैं सर ये आया कब है अच्छा सर अब हमें इसके टॉप की प्रोडक्शन चेक करना चलो पोस्टमार्टम करो इसको मारो एसएन इसका इसकी वेरिएशनस हैं तो वेरिएशन एरिएशन नहीं है इसकी ओके आप... इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं हाँ जी बॉक्स हिस्ट्री ओके ये बिल्कुल जी ये इसकी लॉन्चिंग हुई है ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर में इसको वन ईयर क्लिक कर। फिल्टर वन ईयर का आए जी गुड। तो नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ओके okay. तो चाइनीज सेलर का ये एक मैरान याद रखना ये सबसे बड़ा तरीका है जो मुझे आज तक मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये क्या करते हैं एक लिस्टिंग जो पहले क्रिएट हुई होती है उसकी अगर इसकी रेटिंग्स को आप पढ़ना शुरू करें ना रिव्यूज को तो आपको कुछ ना कुछ रिव्यूज में नजर आएगा इनरेलीवेंसी भी मिलेगी बिल्कुल ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो किसी और प्रोडक्ट की रेटिंग के ऊपर कोई और प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं कर देते हैं और ये इनके पास टैक्टिक है और गॉड ब्लेस अमेजोन के अमेजोन जो है वो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता बेचारा को पाकिस्तानी सैलर होगा तो उसका अकाउंट जरूर डीएक्टिवेट करेगा ये चाइनीज का डीएक्टिवेट नहीं करेंगे इस काम पे तो और... ये इसके ऊपर हाँ क्योंकि बंदो तो नहीं लड़ना होता है उनके साथ ही हाउ जी चले सर वापस चलते हैं ये तो हमने देख लिया कि कब लॉन्च जो है छोड़ते हम वैसे नहीं आप देखें आप अगर उन्होंने हमें नहीं ना बताया वहां तो हमने फिर भी देखा है कहाँ से आए हैं ऐसे चले सर वापस जाते हैं आपकी बेस्ट प्रोडक्ट पे आज की बेस्ट रेसिपी जो आप लेके आए हैं अभी तक आप अपनी बात पे कायम कि ये कि क्यों अच्छी है ओके ओके मैं, okay, okay, okay. कोई मसला अभी बोस कहानी शुरू हुई है अगले पंद्रह मिनट बड़े amazing होने वाले हैं गुड हो गया अच्छा ये मेन कीवर्ड पे चिकन श्रेडर के ऊपर जो है ना वो रैंक कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं गुड इस जो का जो टॉप का ब्रांड है जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा से सेल्स कर रहा है वो कौन सा वो बेस्ट सेलर निकाल लेना जो तो आपने आगे ओपन किया था यस ये वाला इसका ब्रांड नेम क्या है इसका ब्रांड नेम है जी ये वाला यस ब्रांड नेम पकड़े ना और जाके जरा स्मार्ट स्कॉट में डाल दें ओके okay. और दोस्तों जो वीडियो देख रहे हो ना स्मार्ट स्कोट के ऊपर मैं और मेहरान एक सेपरेट सीरीज लेके आ रहे हैं और आपको स्मार्ट स्मार्टोट का ना मैं डिस्काउंट भी दिलवाऊंगा स्मार्ट वालों से डोंट वरी लोग परेशान होंगे यार हम तो हीलियम ही देखते रहते हैं ये क्या ले आए हिलियम मैं उसको जानते ही नहीं हूँ वो क्या चीज है यार चलो <laughs> <मुँँआन>। <laughs> सर पहलेम <laughs> पहले ये बता दे कि ये हमारा अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ये हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है बट हमने जितना यूज किया ये अमेजिंग है हमें चलो हमें भाई अच्छा चले जाओ इफेक्ट आपका मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही वो सॉफ्टवेयर की स्मार्ट स्कोर की चले जी अब आ रही है सर आपको जी जी मिल गया जी, जी जी ओके सर तो जनाब इसका रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यही एक मिनट है मीट ग्राइंडर है एमेजोन इन स्टॉक रेट जीरो परसेंट ये क्या मतलब वन पॉइंट जीरो

ये क्या चेक करेंगे ना चेक करेंगे सर डोंट वरी अभी तो हमने आफ्ताब भाई का मसला भी हल करना है <laughs> अच्छा डोमिनेट ले डोमिनेंट सेलर कंट्री चाइना है जी डोमिनेट सेलर सेल्स हंड्रेड परसेंट सेल्स इसके पास हैं बिल्कुल ठीक है ओके डन तो सर जरा इसके अंदर चले जाए मुझे एड स्पाई पे लेके जाए ना अब टूल बंद नहीं करना अभी आप आपने ठीक हो गया एड्स पाइप ओके जी इसके अंदर चले जाए यहीं क्लिक करें पे पर ये जो जो भी इसका नाम है यार चलो इसी के ऊपर क्लिक करें ये चले जाए सर्च टर्म्स पे बल्कि इसकी डैशबोर्ड पे जाए आप यहाँ से मारो इसको जिस तरह मर्जी ले जाओ यार वो सच पे जाए ये मिड में यस यहाँ एड्स पर आएगा पहले पे हाँ जी ओके जरा उधर ना बजट पे वो भाई इधर इधर इसको अच्छा नहीं नहीं स्पेंड हो रहा है, एक के और उसका कीवर्ड है जी चिकन श्रेडर टूल ट्विस्ट अच्छा थ्री थर्टी फोर वन फोर्टी हंड्रेडी वन एंड ट्वेंटी कितना बनता है आपका सर, मैं, 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 आप... अच्छा है आप आप सोच रहे होंगे यार चुप क्यों कर गए मैं सोच रहा हूं यार इतनी डीप लगता है कि कुछ ना कुछ निकलने ही वाला है <laughs> नहीं नहीं बिल्कुल निकलेगा सर डोंट वरी अच्छा जनाब सिक्स uh, और uh, टोटल ये टोटल बजट बताएं ना कितना बनता है सर ये टोटल ये राउंड ऑफ बन जाता है आई थिंक ये बन जाता है 8500 डॉलर के करीब 8500 चलिए 8500 जी जी तकरीबन इतना इससे थोड़ा सा नीचे आठ हजार पांच सौ के साथ ये सेल्स कर यानी कि एक लाख चौतीस हजार ऐसे ही है। अच्छा और ये आपको कन्विंस कर रहा है बिल्कुल और देखें ये सबसे बड़ी चीज है कि सारी सेल्स अभी ये निकाल रहा है एसपी से अभी इसने एस बी या एस बी नहीं चलाई हुई ओके चलो कोई नहीं एक चीज तो और है आपकी बेस्ट प्रोडक्ट के लिए आपको की बोर्ड भी पता चलते हैं क्या कौन कौन से है बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है चले दिस इज गुड

सर मेन कीवर्ड ही प्रोडक्ट का मेन सीड कीवर्ड है तो हम देखे चलो तो इस पे नई शुरू होगी मुझे ये बताओ कि कीवर्ड कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो सेल्स देता है या वो सीड कीवर्ड होता है जहां से प्रोडक्ट पहचानी जाती है अब इसमें दो चीजें हैं अगर तो हम ऐड कर कहते हैं कि यार सीड की वो है जिसके ऊपर सेल आ रही है ठीक है वो समाइम्स फ्रेज भी हो सकता है वो आ, वो कहते हैं कि भी हो सकता है, है। लेकिन अगर तो फिर हमारे जो, तो जो पहचानी जा रही है तो फिर वो कहां पे गया? ओके ठीक है तो मैंने ये चिकन श्रेडर सीड की मेन सीड की वर्ड इसलिए कहा है क्योंकि लोग इसको पहचान रहे हैं चिकन श्रेडर की वर्ड से ठीक है अगर मैं बोलूंगा सर ये की वर्ड किसका मेन है चिकन श्रेडर टूल ट्विस्ट तो लोग इसको उस तरह नहीं लेंगे क्योंकि एक सैलर जो है उसके लिए लिए मेन टूल ट्विस्ट है है दूसरे के लिए चिकन श्रेडर मिक्सर भी हो सकता तो क्योंकि जी -जी. सर... हर सैलर की जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट की ऊपर रैंक कर रही होगी मान लेते हैं आप जरा स्क्रॉल डाउन करें मुझे ऐसा सैलर दिखाएं जिसने तकरीबन फोर मंथ्स पहले लॉन्च किया हो अप्रोक्सीमेटली ओके ठीक है ऐसा सेलर निकालें जिसने फोर मंथ्स पहले लॉन्च किया हो और उसके कितने रेटिंग्स हैं और वो कितने यूनिट सेल कर रहा है एड्स पाए लगाए फिर मुझे बताएं कितना स्पेंड कर रहा है जी जी मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल डेटा यहाँ तो प्रोडक्ट बड़ा आर या पार मैं दिखाता ठीक बस ठीक है इसके बाद हम फिर ये बात करेंगे अगर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो इसमें क्या क्या चेंज करना है बिल्कुल सही उधर फिर मैं आपको फंसा लूँ ये एक फ्रेड सेलर है इकतीस जुलाई को इसने लॉन्च किया ठीक है, है सर तो अगस्त सितंबर तीन महीने पूरे नहीं होते लेकिन <laughs> <laughs> लेकिन लेकि थोड़ा सा मार्जिन तो दे ना आप चार आज क्या डेट है इट्स ट्वेंटी टू सेप्टेम्बर तो आप इसको अगस्त और सितंबर के बाईस दिन दे रहे हैं यार ये तो मेरे क्राइटेरिया पूरी नहीं होती चलो हंड्रेड डेज तो दो ना चले वो ढूंढ लेते हैं वो निकाल लेते हैं ये भी जुलाई का है जी ठीक है ये भी मूव ऑन छोड़े इसको ये तो हम देख चुके हैं ना हम्म नहीं नहीं ये नहीं देखा अभी इसने भी शो नहीं कराई ये भी चाइनीज ओरिजिन है मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा ये आई थिंक मुझे पहले ढूंढ के रखना चाहिए था इस तरह questions आप जब पूछेंगे ना। कोई नहीं। के क्वेश्चन अगली बार तैयारी करके आना आएगा और <पूछेंगे> आप चीजें <laughs> नहीं ऐसे होता है ना कि जिस तरह के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो वो मुझसे पूछे ही नहीं जाते <laughs> हाँ ऐसे ही होता है जनाब ओपन पेपर में बैठे तो हैं जी जी अच्छा चलो इसी प्रोडक्ट को जरा एग्जांपल ले लो दिसंबर 2023 में इसने लॉन्च किया है आज उसको नौ महीने हो चुके हैं पूरे और ट्रिपल वन उसके रिव्यूज हैं और 400 यूनिट सेल आउट कर रहा है जस्टिफाइबल है नहीं अच्छा ओके ठीक है नहीं है। तो आप आप क्लाइंट को कहेंगे हम चार महीने में आपको ब्रेक इवन कर देंगे नहीं हाँ मैं ये नहीं कह सकता कि चार महीने में कर दूंगा लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट की जो मेन पिक्चर है ठीक है क्यों जस्टिफाइबल नहीं है इसकी जो मेन पिक्चर है अगर आप इसे देखेंगे ना तो ये मुझे तो किसी तरह से चिकन श्रेडर लग ही नहीं रहा मुझे लग रहा कोई ऐसे कोई को जूसर मशीन टाइप नहीं है कोई हुँ. मुझे ऐसे लग रहा ठीक है।, है तो इसको तो पहले तो चलो इसके ब्रांड को चेक कर लेते हैं वो फेमस स्टोरी है ना कि कोई बंदा सीखने के लिए पकवाई का काम सीखने के लिए किसी के पास गया जब तक आप ओपन कर रहे हैं जी जी तो उसका उस्ताद जो है ना उसे जब कुछ पकाने के लिए दे ना तो उसमें जब हाथ मारे तो चावल चखे तो कच्चा निकला अच्छा तो उसने कहा जी उस्ताद जी ये नहीं छोड़े ये मुझे आर्ट सिखाएं क्या आप कच्चे चावल को हाथ कैसे डाल देते हैं सारों में <laughs> 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 यही बात है ऐसे ही है कि मुझे आपको पता कैसे चल जाता है उसने कहा नहीं देख में कच्चे चावल तो होता ही है ऐसे ही चलो भाई मीट श्रेडर <clears throat> आप देखें इसके लिए मीट श्रेडर की वर्ड है मेन ठीक है ठीक है वो, वो दूसरे पे उसने लार्ज डाल दिया आगे ओके टोटल एड्स स्पेंड क्या है इसका टोटल एड स्पेंड इसका राउंड अबाउट हज़ार डॉलर के करीब बन रहे हज़ार हाँ से ज्यादा सर कुछ तो ग्यारह हंड्रेड रहे बारह सौ डॉलर के अंदर ये कितनी सेल्स कर रहा है इसके जरा मेन डैशबोर्ड पे जाना यस नहीं यहीं यहीं बहुत सी यही यस ओके नाइनटीन थाउजेंड तकरीबन दैट्स फाइन लेकिन इसका मतलब ये उसने ग्रोथ रोक दी अपनी

तो ये क्यों नहीं इसके ऊपर स्पेंड कर रहा मतलब इसको चार पांच हजार डॉलर तो लगाना चाहिए ना एग्रेसिव ग्रोथ के लिए ऐसे मे भी उसने इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने का प्लान हो उसका इसकी जगह कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हो ओके माइट बी पॉसिबल है चलो एनी हो आगे चलते हैं भैया एक पॉइंट तो गया ठीक है अब आप दूसरा पॉइंट क्या देखना चाहते हैं जाएं वापस अमेजॉन पे मुझे इसकी कैटेगरी में ले जाएं सब कैटेगरी आ, स, सब कैटेगरी जी ये फिफ्टी टू पे टाइम अच्छा जी ओके ओके अब रुक जाए जी जी मैं जी मैं, जी मैं मुझे मुझे मुझे, मुझे समय लग गई है मुझे समझ लग गई ये क्यों नहीं बना रहा अब मैं आपके आप सवाल का जवाब देने लगा हूँ इसने सिर्फ श्रेडर के ऊपर डाला हुआ है ठीक है जो बाकी सैलड हैं उन्होंने डाला हुआ है मीट ग्राइंडर के ऊपर ठीक है इसकी कैटेगरी, गल कैटेगरी गलत है।, है तो बाकी उधर जाए ना जरा मीट ग्राइंडर के ऊपर ये मीट ग्राइंडर है ये देख लें हाँ मीट ग्राइंडर आ गया ठीक है जी <coughs> लेकिन अब इस मैं सोच में पड़ गया हूँ अब इसका फिर वर्ड होना चाहिए था चिकन ग्राइंडर जी ये तो मोस्ट है ठीक <laughs> है कोई बात नहीं मतलब कैटेगरी है ना क्रिएट हो सकती है नीचे दें। ऐसे प्रोडक्ट्स so hmm, मुझे ना इसका ना इस कैटेगरी में फिफ्टी नंबर पे जो सेलर है ना चिकन शराइटर का वो देखो जी, जी। वहां से डिसाइड हो जाएगा प्रोडक्ट करनी है या नहीं करना ओके मतलब लेट्स से कि आप जैसा सेवी बंदा गुरु बंदा लॉन्च करे इसको तो चार महीने में पचास से नीचे तो आ ही जाएगा ना कैटेगरी में ऐसे ही है तो फिर देखते हैं ना पचास वाले के क्या हालात है जिधर आपने लेके जाना है अपने क्लाइंट को पचास पे तो ये है ही नहीं है अच्छा जी उससे पीछे आ जाए अब जितने भी हैं वो मिनिमम भी फोर्टी पे मार्च टेन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो मार्च टेन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में जेनेरिक प्रोडक्ट बेच रहा है और ये अभी तक पहुंचा है नंबर पे ऐसे... और फोर्टी पे इसकी सेल्स क्या है कितने यूनिट्स है चेक कर लेते हैं पचास प्लस यूनिट्स हैं पर एग्जैक्टली चेक कर लो कितने एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं ये नहीं आ रहा आई नहीं रहा ब्रांड ने? नेम अच्छा ने। जेनरिक में सॉरी वो जेनरिक में चलो फोर्टी से नीचे वाला कोई उठा लें उससे भी पीछे वाला थर्टी एट <coughs> वाला ले लेते हैं चलो थर्टी एट वाला थर्टी एट वाला एट डॉलर पे सेल कर रहा है और

हाँ इसकी क्या रीजन है इसकी रीजन मोस्टली से जो सकते होती है ना कुछ मतलब यूएस uh, से बाहर होती है, okay, okay, okay. होती है के, तो okay. kind of अच्छा जी आ, इसका मतलब इससे भी कम पे देखना पड़ेगा कोई हाँ जी अब मुझे ये बताएं कि इस कैटेगरी के अंदर एक पहला पॉइंट आपको मोस्ट ऑफ द कंपटीशन का तो डेटा ही नहीं मिल रहा बिल्कुल और जब आपको दुश्मन के ही नहीं पता तो आप उसके मोर्चों पे कब्जा कैसे करेंगे पहला क्वेश्चन आपके लिए सर हमें कुछ का तो पता है ना हमें कुछ का पता है लेकिन ये जिसके इलेवन रेटिंग है ओके इसका डेटा नहीं आ रहा चले ऊपर लेके जाए इसके पीस देखते हैं हम कितने सेल कर रहा है चलो थोड़ा मैनुअल काउंट कर देते हैं टू हंड्रेड प्लस इस कैटेगरी के अंदर तो इसका मतलब है जब आप किसी भी अपने जिसको लॉन्च करवाएंगे उसको अगर आप फिफ्टी के अंडर लेके आएंगे तो यूनिट्स कितने होंगे तकरीबन दो सौ कैटेगरी में जो रैंकिंग होती है वो यूनिट्स वाइज होती है ऐसे ही है। जो थर्टी एट वाला है वो थर्टी नाइन से ज्यादा यूनिट सेल कर रहा है चाहे दो तो भी हो ऐसे ही है ठीक थर्टी नाइन वाला कम फोर्टी वाला उससे भी कम तो फिफ्टी के अंडर जिसको लेके आएंगे एवरेज आपका हंड्रेड एंड सेवेंटी आप उसको यूनिट सेल करके देंगे ऐसे ही चलो प्राइस आपकी मर्जी के रख के उसको हंड्रेड एंड सेवनटी से मल्टीप्लाई कर लो फिर रेवेन्यू आपको नजर आ जाएगा प्रोडक्ट का कर लो क्या प्राइस रखोगे सर मैं इसके ऊपर प्राइस रखना चाहता हूँ मल्टीप्लाई हंड्रेड एंड सेवनटी कर लो और मैं आपको बाद में रीजन भी बताऊंगा कि मैं क्यों, क्यों रखना चाहता हूँ ओके क्योंकि आप इसको प्रोडक्ट को रीडिजाइन करवाएंगे ऐसे ही है। थर्टी टू ट्वेंटी एट बनती है तीन हजार दो सौ जी जी टोटल इस प्रोडक्ट की सेल्स होगी ऐसे ही और तीन हजार दो सौ आप उसको पर मंथ सेल बना के देंगे उस से बिल्कुल और इस लॉन्च पे कितना हमारा पैसा लगेगा टोटल बजट लगेंगे आ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हर

बाकी इसकी अमेजोन कास्ट सारी निकाल लो एंड आई कैन टेल यू एंड वेरीफाई यू ये तकरीबन पे लग yes. yes. तो रही थी क्या ख्याल है लॉन्च करनी है किसी के लिए, आ... <laughs> ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया ये फैसला करना नहीं आपने कोई लॉन्च करवा तो नहीं दी किसी को नहीं, नहीं 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 अभी नहीं करवाई आपको पता भी है कि मैं तो आपसे क्रिटिकल एनालिसिस तो लॉन्च करवाता भी नहीं हूँ वो फील्ड है जिसके अंदर हमने नहीं जाना तो अब उनके लिए क्या कहेंगे कि जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और ये प्लान कर रहे हैं अगले दो से तीन माह के अंदर लॉन्च करने का अफ्ताब भैया ओपन करो उसको यार <laughs> आप अफताब भाई को नहीं छोड़ना चाह रहे नहीं नहीं मैं चाह रहा हूं यार कि अगर हम कर रहे हैं तो अपना भाई है उसकी हेल्प करें हम चले उनको ओपन कर लेते हैं ये जी अफ्ताब भाई इनकी प्रोडक्ट को ओपन करें ओके सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट यस यहां जाए क्लिक करें फर्स्ट इमेज को ओके डी प्रूफ पीक चिकन श्राइडर राइट ठीक है फर्स्ट uh, इमेज में क्या लगता है इट्स गुड इमेज पर मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट इमेज मुझे मेरे हिसाब से अच्छी नहीं मुझे लग रही ओके okay. क्योंकि ये <laughs> ऐसी प्रोडक्ट है अह जिसमें आप इमेजेस को ऐसे मुझे लग रही हवा में उड़ रही है प्रोडक्ट हवा में उड़ रही है दो चीजें करें अफताब भैया नंबर वन थिंग पहले तो मीट के पीसेस थोड़े से साथ रखें और फिर उसके बाद जो श्रेड हुआ हुआ मीट है वो भी शो करें सो so प्रोडक्ट की एक साइड पे मीट के पीसेस और दूसरी साइड पे श्रेड हुए हुए ताकि ये पता चले कि बीच में ये प्रोडक्ट है ये ये वाला काम करती है ये फर्स्ट इमेज का काम है ताकि आपका सी टी आर इम्प्रूव हो ठीक है जी बिल्कुल सेकेंडली उसके बाद सर जरा अगली इमेज पे जाए ना और छोटी लग रही है ठीक तो है दो चीजें आपने एक्स्ट्रा एड किए ये तीनों काम जो आपने किए ना ये वाले चिकन श्रेडर की पैकेजिंग और ये सब कुछ अगर आपने मेरी वीडियो नहीं ना देखी तो मैं हैरान हूं कि ये सारी बातें मैंने की हुई है पहले लेकिन आपने ये काम किया दिस इज वेरी गुड थोड़ा सा इसको ट्वीट करना नेक्स्ट टाइम क्स्ट इमेज सर वो कह रहे हैं कि आफ्टर थ्री स्पिन इंट्रोडली टाइम से मेरे ख्याल से आपने इस इमेज में जो बताने की कोशिश की नीचे आपने जो कुछ लिखा है कन्फ्यूज कर रहे हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हैराना आप क्या समझते हो Uh, सर मुझे लग रहा है कि इसमें जो इन्होंने दो चीजों को मिक्स कर दिया ठीक है, है अगर इन्होंने कहा ना कितने स्पिन के साथ ये क्या शो करवा रहा है अगर आप देखें तो फाइव स्पिन और नाइन स्पिन में आपको आपको कोई फर्क लग रहा है नो uh, no. और दूसरी एक और चीज क्यों फर्क नहीं लग रहा मेहरान साहब प्रोडक्ट आप पहले दिखा चुके हैं प्रोडक्ट को छोटा करें ये स्पिन वाले को बड़ा करें एग्जैक्टली exactly.

और राइट right. उसके बाद जी श्रेड्स मीट विद एफर्टलेट्स इज मी एफिशिएंटली ब्रेक डाउन बाय मीटी फूड अच्छा एक तो ये जो आपने एफिशिएंटली ब्रेक डाउन मीटी फूड लिखा है ये पढ़ने से मुश्किल हो रहा है तो अगर आपने यही कलर रखना है तो फिर पीछे वाला बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर करें अच्छा जी दूसरी चीज़ आपने फिर कहा जी सॉलिड ट्राइंगल स्पाइक्स स्ट्रोंग एंटी स्लिप उसके बाद थ्री सिक्सटी रोटेशन ओके जी कवर एंड and...

अब इन चीजों को बड़ा करके दिखाएं मैं हैरान खुश हो रहा है कि मेरी प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट हो रही है <laughs> अच्छा जी ये बहन जी क्या कर रही हैं जी इसको वो ऑर्गेनाइजर में लगा रही हैं सर जर जरा ज़ूम जर जर आउट करिएगा प्लीज अच्छा जी एफर्टलेस क्लीनिंग एंड डिशवॉशर फ्रेंडली अच्छा ठीक है दस गुड लेकिन ये नीचे आपने वो साइंस डाले हुए हैं ये फिर नहीं पढ़े जा रहे अगेन प्रॉब्लम है अच्छा वो जनाब यहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको रख रही हैं बीपीए फ्री है और आ, ओके मैसेजिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट इट्स ओके कि इसको आप यूज अब तब, तब इसको क्लीनिंग कर सकते हैं बट इट कुड बी बेटर सर मेरा एक क्वेश्चन है जी आ, ये अफ्ताब भाई ये पूछेंगे यार ये मेरा ही ब्रांड क्यों आप किसी और को क्यों नहीं कर रहे नहीं हमने तो रैंडमली शुरू किया तो ये सामने आए हैं

और सर किसी चाइनीज ने तो हमारी सुननी नहीं है आपसे उम्मीद है आप हमारी सुन लेंगे ऐसे ही है ओके सैलर जिम पीपल ओ वापस वापस लगता है आपने जिम वाला देखा है तो आपको वो आपको पता है मैं इसमें क्रिएटिव्स में, में बहुत सेंटी हो जाता हूँ ऐसे ही है ओके सैलड जिम पीपल कैंपिंग फ्रेश डॉग फूड तो अच्छा जी उसके बाद आपने कहा कि हड्डियों समेत नहीं डालना सर ये इसमें जी। आपने इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको जी मुझे नजर आ रहा है कि वो उसने कुछ करने की कोशिश की है कोई इसको थ्री सिक्सटी बनाने की कोशिश की है अच्छी। और बलर कर दिया हर चीज कैनोट श्रेड रॉ मीट ओके ठीक है तो एट द एंड जाके आप बता रहे हैं कि ये रॉ मीट कुछ रेड नहीं करता भाई जान जी इसके लिए आपको बॉयल करना पड़ेगा पहले ठीक है और किसी जगह पे भी आपने शुरू में नहीं कहा कि जी। और एक और चीज मुझे बताएं कि ये जो आपने ब्रश एंड फोक डाला है इसमें इमेज में कहीं भी आपने इसकी यूटिलाइजेशन डाली हो सकता आगे हो अच्छा जी ओके सो जी आपने वो मीट है ऊपर क्या यार मुझे तो मक्खन लग रहा है ये वो मुझे चीज लग रही है हां गुड चीज आई डोंट लाइक चीज ओके Right. लेकिन ये कैसे चीज चीज मीट कैसे बन गया नहीं चीज तो नहीं है वो उसने मीट ही डाला है लेकिन उनके क्रिएटिव के बंदे को इतना साफ मीट मिला है बॉयल हुआ हुआ ये भी बात सही है ओके okay, जी मूव ऑन जी टू नेक्स्ट लेवल अच्छा जी फर्मली इसको पकड़ें उसके बाद ये करें और फिर डन इसको वैसे हम बेटर में कर सकते हैं और इस पिक्चर को होना चाहिए थर्ड पिक्चर इसको थर्ड पिक्चर हाउ टू यूज को पहली पिक्चर आपकी मेन इमेज सेकंड इमेज जो है वो आपकी बेनिफिट्स तीसरा इमेज आपका हाउ टू यूज होना चाहिए इसकी प्लेसमेंट भी गलत है वेरी गुड मिली आपको आगे, आगे। अब सर हाँ जी वो जी आप, जी आप वाला क्वेश्चन आ गए हाई क्वालिटी अच्छा ये क्या इसने बताया कि अच्छा इसने इसके साइजिंग बताई है कि जी ये जी... जो है इस साइजिंग मुझे इसकी यूटिलिटी बताएं कि ये क्या है पता मुझे है कि ये क्या है लेकिन जो एक लेमैन है उसको क्या पता कि ये ब्रश और ये क्या करता है ऐसे ही है अब इस प्रोडक्ट इसको हमने एक्स्ट्रा तो दे रहे हैं कंप्लीमेंट्री दे रहे हैं भाई। लेकिन इनका यूज नहीं बताया गया कि ये कैसे यूज करना है यस चौथी इमेज पे जाएं। फोर्थ इमेज। ये ब्रश और वो जो क्लीनर था ना इस इमेज में उसको एडजस्ट होना चाहिए था ओके ठीक है फर्स्ट में आप दिखाते हैं कि जब आप कर चुके हैं तो उसके बाद ब्रश वॉश okay. और आपका मीट भी वेस्ट नहीं होता आप मतलब आपको ये बताने की जरूरत थी कि आप ईच जो एक बिट भी है ना मीट की वो भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ आप क्लीन कर लेंगे उसको सारे को निकाल देंगे उसकी यूटिलिटी बतानी थी एड right. तो आपने कर ली है चीज यानी कि आपने आपनेडवास्ट फीचर तो ले आए लेकिन फीचर कन्वे नहीं किया नहीं यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन नहीं बताई सर क्लोज कर दे नीचे ए प्लस पे आ जाए जी जी मेरान जी सर एक चीज अगर ये चीजें सारी ले आए तो आई डोंट थिंक सो कि इनको फिर भी पांच डॉलर पे ही बेचनी चाहिए नहीं पांच डॉलर के साथ तो मैं डिसएग्री करता डॉलर इज नॉट द प्राइस और सर अगर अफ्ताब भाई हमें सुन सुन रहे हैं अगर वो हमारी वीडियो देखें तो हमें प्लीज रीजन बताइएगा ये पांच डॉलर पे आप बेच कैसे रहे हैं Yeah, of उसके बाद जनाब चिकन श्रेडर ये। ओके, ये ही उसने ही बताने की कोशिश की है इस ओल्ड हाँ फैशन नहीं बना हुआ ये प्लस सर बहुत बना हुआ तो है नहीं है एक नहीं हाँ। ही, ही मोड्यूल वगैरह के साथ नहीं किया हुआ है लेकिन आप एक चीज और नोट करें आजकल जो ए प्लस कॉन्टेंट वगैरह बन रहे हैं जो इन्होंने रिसेंटली तो इन्हों बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया ठीक है, है? लेकिन आजकल जो ए प्लस कॉन्टेंट प्रीमियम वगैरह बन रहे हैं उसमें प्रोडक्ट को इतना बड़ा नहीं करते बेसिकली उसके बेनिफिट्स को उसके यूजेस को बताते हैं प्रोडक्ट आप इस, इस तरह की प्रोडक्ट में ना मेरा तीन चीजें होती है इस तरह की प्रोडक्ट में नंबर वन रियली केयर अबाउट चलो हम बनते हैं इसके यूजर व्हाट यू रियली केयर अबाउट वो फर्स्ट फर्स्ट थिंग ये है कि ये प्रॉपर काम करती है आई नो अबाउट ठीक है इसके अंदर क्या लगा तीसरी दूसरी चीज इसका मटेरियल क्या है तीसरी चीज इसके बेनिफिट्स यानी कि ये मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट लेके आएगी बिल्कुल ठीक है एंड देन चौथी चीज जो आपने ये लोज़मात साथ ऐड किए हैं एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए हैं इनका इसके साथ क्या यूटिलिटी है तो सम हाउ अ गुड लॉन्च जनाब भाई घबराना नहीं है बिल्कुल आपने लगे रहना है लेकिन थोड़ी सी प्रोडक्ट की मैस्टिंग री एडजस्ट होने वाली है बट नाइस एफर्ट ठीक है सिंस आपने पांच सौ हजार पीस तो अब ले आए हैं तो अब इसको किसी ना किसी तरीके अच्छे से निकालना है सर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे में बैठे बैठे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मे बी अफताब भाई ने ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से मैनुफेक्चर करवाई हो और उन्हें ईजी ली होगी और इसीलिए उन्हें ये रखी हुई है मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान से ऐसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकती है बट वो uh, कुछ भी पॉसिबल है एनी हाउ uh, अभी हम उनकी सोर्सिंग पे बात बाद में करेंगे सोर्सिंग पे वो आके खुद सर मुझे प्राइस मुझे प्राइस तंग कर रही है ना सर पॉसिबल नहीं है देखें आ, मेरे ख्याल से इनकी ये प्रोडक्ट पाँच सौ पीस लिया ना तो चार डॉलर की कम से कम इनको मैन्युफैक्चरिंग पड़ी है टिल वहां यूएस तक पहुंचने में ठीक है तो इनको किसी ने बताया कि बस लो प्राइस पे रखेंगे रेटिंग मिल जाएगी आप हाई पे चले जाएंगे फिर प्राइस बढ़ा लीजिएगा बिल्कुल ऐसे तो ये जब होगा तब होगा तो आप छोड़ें अफ्ताब भाई को मेहरान भाई आप अपना बताएं क्या ख्याल है फिर इस प्रोडक्ट के बारे में सर मैं तो एक चीज़ दो चीज़ें मुझे कंफर्म कर रहे हैं वो जो है कंफ्यूज कर रही हैं ठीक है, है? एक, एक तो ये है कि ये प्रोडक्ट है आ, मीट ग्राइंडर या चिकन ग्राइंडर इसकी कैटेगरी बी ग्राइंडर है ठीक है लोगों ने इसे नाम चिकन श्राइडर क्यों दिया हुआ है ठीक है एक तो ये चीज़ ठीक है अगर किसी ने अगर सब कैटेगरी हमारी मीट ग्राइंडर है तो कोई अगर हम इस प्रोडक्ट को अगर रैंक करवाते हैं इस कीवर्ड के की ऊपर ही लेट्स सपोज चिकन ग्राइंडर और अ मीट ग्राइंडर तो ये प्रोडक्ट काफी डिफरेंटली रिजल्ट दे सकती है ओके okay, मतलब इसको डिफरेंटली आप हुँ. कर सकते हैं और मैं हुँ. अभी भी इस हक में हूं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो सकती है ठीक है लेकिन एक बेटर स्ट्रेटेजी के साथ ओके okay. ये एक और चीज देखो जी जी टाइटल में हमने टाइटल में कहा ये श्रेड करती है चिकन पोर्क एंड बीफ को लेकिन इमेजरी और क्रिएटिव्स में हमने कभी भी पोर्क एंड बीफ का जिक्र नहीं किया हम सब चिकन की बात करते हैं तो जो यहां से क्लिक करके आया है सीटीआर तो हो गई पीपीसी का क्लिक पड़ गया आगे तो उसको वो मैसेज ही नहीं मिल रही सर किस जगह के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है ओके लेकिन इन्होंने हाईलाइट उतना फुल नहीं किया नहीं किया और मैं इस में भी शरद चिकन ही किया इन्होंने मैं इस इस प्रोडक्ट को एक डिफरेंट तरीके से लेके जाना चाह रहा हूँ hmm. इस प्रोडक्ट को मैं चिकन श्राइडर मतलब एक वो कहती है ना कि इसकी ऑडियंस को लिमिटेड नहीं करना चाह रहा इसको चिकन hmm. श्राइडर की बजाय मैं इसको मीट एंड मीट श्राइडर कह सकता हूँ उसके बाद मीट ग्राइंडर कह सकता हूँ चिकन श्राइडर इस प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है जो सी है उसको लिमिटेड कर रहा है मेक सेंस करता है वैसे अभी हमें ये नहीं पता कि इसका सीपीसी में क्या पड़ेगा ठीक है अभी नहीं ये पता हमें सीपीसी कम तो नहीं है सर जी मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया अभी एक नजर पड़ी है मैंने इसको देखा नहीं है इस बंदे ने श्राइडर की जगह वर्ड ग्राइंडर ग्रा, यूज किया हुआ है और विदाउट एनी रिव्यू हंड्रेड सेल प्लस सेल क्या है और प्राइस भी देख रहे इसने क्या yes. किया कि चिकन ग्राइंडर यस yes. और बाकी सारी चीजें उसने छोटी-मोटी कर दी हैं तो और समहाउ बहुत बड़ी ग्रेट लॉन्च नहीं है ये लेकिन छोटा-मोटा धक्का स्टार्ट टाइप पीएल है ये ठीक है आ... तो कुछ न कुछ जिन बंदों के पास बजट लिमिटेड है ठीक है एक amazon को स्टार्ट करना चाहते हैं और थोड़े टाइम के अंदर उसके एमेजोन के बेनिफिट्स तो तो देखना चाहते हैं आई तो थिंक ये प्रोडक्ट अच्छी है नहीं अगर तो से कि कि हमारे पल्ले पड़ जाए यानी हमने ये लॉन्च करनी करनी है या कोई लॉन्च हुई है है उसको सीधा करना है, तरीके हैं लेकिन नहीं ये कोई आइडियल प्रोडक्ट नहीं है कि आप कहें कि जब इसको लॉन्च करें तो बस आप इसको क्योंकि देखो मैं फोकस करता हूं ब्रांडिंग पे मैं कहता हूं यार जब आप एक लेवल पे पहुंच जाए आप उस कैटेगरी में डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करें तो यूर ब्रांड नहीं नहीं वो एक, एक कहते हैं सिंगल पीएल लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं है चले सर हो गया आपके सवाल आपके आंसर मिल गए मुझे छुट्टी मिल सकती है या नहीं।, नहीं 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 बिल्कुल सही है अब एक क्वेश्चन मेरा उधर ही रह गया है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो भाई आप पूछेंगे यार ये बार बार ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं क्योंकि मेरे से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है पूछने के लिए कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं मुझे इस चीज ने okay. किया है कि वो लॉन्च करना चाहते हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर पैसा लगा चुके हैं सिर्फ अब एमेजोन के ऊपर लॉन्च करनी है तो अब उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं नंबर वन थिंग इस प्रोडक्ट को मीट uh, ग्राइंडर में ले जाएं इसको uh, करें

ठीक। ओके सर इजाजत लेते हैं जी और, सर। आप। आप और और अब मैं देखता हूं कि आप अगली जो है है। ना वो कौन सी प्रोडक्ट लेके लेके आएंगे। बिल्कुल सही है। और जल्दी आएंगे। और मेरे माइंड में होंगे। और... होंगे ये नहीं होंगे सारे। <laughs> इसका ओके। मतलब है कि मुझे एक वो करना चाहिए कि आउट चले इन ओके